मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का इतिहास अपने आप में एक लंबे इतिहास को समेटे है। यहाँ पर कई तरह के राजाओं ने अपना शासन किया, वहीं इसकी पहचान बड़ी झील और छोटी झील परमार राजाओं की देन है। वहीं यहाँ पर नवाबी शासन की झलक पूरे शहर में देखने को मिल जाती है। ऐसे में अब शहर का नाम भोपाल की बजाय भोजपाल करने की मांग उठने लगी है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में इस वक्त एक ही चर्चा चल रही है कि उनके शहर का नाम क्या भोजपाल कर दिया जाएगा। इन चर्चाओं के बीच ये खास होता जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग उठने लगी है। तो आज हम आपको इसी से रूबरू कराएंगे। राजधानी भोपाल पर सबसे पहले राजपूत परमार राजाओं का राज था, जिनमें सबसे प्रसिद्ध राजा भोज थे, जिनको लेकर माना जाता है कि उन्होंने ही बड़ी झील का निर्माण कराया था, जो कि आज भोपाल की पहचान है। वहीं राजपूत राजाओं के पतन के बाद यहां पर गोंड राजाओं ने राज किया, जिसमें रानी कमलापति सबसे प्रसिद्ध नाम है। वहीं इसके बाद अफगान शासकों भोपाल पर राज किया। उसके बाद अंत में नवाबी शासन के बाद भोपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। राजधानी भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग उठने लगी है, जिसको लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने सीएम शिवराज से मांग की। वहीं अब इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार तक प्रस्ताव पहुंचाने का हवाला दिया है, क्योंकि ये राज्य स्तर का मामला नहीं है। भोपाल को भोजपाल करने को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, क्यों जग का ही अंतर पड़ रहा है। जब हम सोचिए कि हम फैजाबाद को हम अयोध्या कर सकते हैं, कितना कितना बड़ा अंतर है बताओ आप। प्रयाग इलाहाबाद को हम प्रयाग कर सकते हैं, होशंगाबाद को हम नर्मदा नगर कर सकते हैं, तो भोपाल को भोजपाल क्यों नहीं कर सकते हैं? महाराज जी, से हो क्या जाएगा, इसे नाम, तो बदलेगा। नाम बदलेगा, इससे महाराज भोज की पराक्रम का अनुभव होगा। तो इस तरह से भोपाल का नाम भोजपाल करने के पीछे पुराने इतिहास को दोहराने की बात की जा रही है। वहीं इसकी झलक भोपाल के पास स्थित इस्लाम नगर का नाम फिर से जगदीशपुर करने पर देखने को मिल गई, जिसको एक अफगान सैनिक ने धूर्तता से अपने कब्जे में कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।